हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और पिछले वीक में मैंने जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया था उसी में से मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। 16 क्वेश्चन टेस्ट है इसमें। आप इस टेस्ट को दीजिए, जितना भी स्कोर आ रहा है आप नीचे कमेंट करके बताइए। हर संडे को मैं ये टेस्ट लेता हूँ जिससे कि आपका अच्छे से रिविजन भी हो जाता है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी टेस्ट लूँ या फिर करंट अफेयर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह का पर्सनल कोई सजेशन देना हो या लेना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऐसे मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ। ये सभी टेस्ट मैं जो ले रहा हूँ इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा, आप अपना आंसर मिला लेना। आप सबसे पहले पेन ले लीजिए और नोटबुक ले लीजिए, आप आंसर वहाँ पे लिखिए, लास्ट में मैं आंसर बताऊँगा, आप मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास हेलो फरमाइश जिसे द हिंदू प्ले राइट अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है किसके द्वारा लिखा गया है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसने लिखी है? आप वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़िए सही से और आंसर टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक सुविधाओं से लैस दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया? चौथा क्वेश्चन है, पुरुष युगल जोड़ी में विम्बलडन का 17वां ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब किसने जीता? पांचवा क्वेश्चन है, लागत प्रभावी अभिनव जल परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है, यानी सबसे सस्ता जल परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाति विधान बरुआ किस राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी है? सात नंबर क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में विम्बलडन 2018 का खिताब किसने जीता है? आठ नंबर क्वेश्चन है, बनसागर नहर परियोजना समाचारों में था, यह किन तीन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? अगर ये आप लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन है, लिथल वाइट पुस्तक के लेखक कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में देश का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी है? 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में चुड़ैल शिकार विरोधी बिल 2015 की मंजूरी दे दी है? 14 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधिक व्यवस्था एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के मध्य हुए एमओयू को मंजूरी प्रदान कर दी है? 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से 27 जुलाई को किन तीन देशों का दौरा करेंगे? स्टूडेंट, आपका जितना भी स्कोर आ रहा है आप नीचे कमेंट में लिखिए और साथ में अपना स्टेट का भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? अब चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, आप अपने नोटबुक में मिला लीजिए और जितना भी सही हुआ है आप उसको नीचे कमेंट में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।